आईआईटी कानपुर के एयरोस्पेस विभाग के वैज्ञानिकों ने आपदा में राहत और बचाव कार्य के लिए स्वार्म ड्रोन तैयार किया है, जो जल्द से जल्द आपदा में फंसे लोगों के पास मदद पहुंचाएगा। दरअसल 10 से 12 ड्रोनों का झुंड जब भी कहीं आपदा आएगी तो प्लान करके भेजा जाएगा। इसमें एक मास्टर ड्रोन होगा जो सभी ड्रोनों को निर्देश देगा पैच, ताकि समय से मदद पहुंचाई जा सके। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं इंटेलिजेंट ड्रोन के बारे में। ड्रोन के बारे में तो आपने कई बार देखा और सुना होगा, लेकिन आईआईटी कानपुर ने एक ड्रोन स्वार्म, एक नया इनोवेशन किया है जो इंटेलिजेंट ड्रोन के थ्रू मदद करेगा लोगों की। आपको बताऊं कि जब केरला में त्रासदी आई थी तो सबसे पहले जो समस्या आई थी वहां पर रसद सामग्री पहुंचाने में, इसी को लेकर एक आइडिया जनरेट किया, आईआईटी कानपुर ने एक इनोवेशन लिया और ड्रोन स्वार्म डेवलप किया है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तहत सबसे पहले लोगों तक मदद पहुंचाएगा। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं आईआईटी कानपुर के एरोस्पेस डिपार्टमेंट के प्रोफेसर मंगल। हम इनसे जानेंगे, सर ये कैसे काम करता है, क्या स्ट्रेटजी? हमारा पर्पज है ड्रोन डेवलप करना, स्वार्म ऑफ ड्रोन्स जो ह्यूमैनिटेरियन एड एंड डिजास्टर रिलीफ के लिए काम करें। तो ये पूरा ड्रोन हम फिश और बर्ड्स स्कूल की स्टडीज़ कर रहे हैं, वो किस तरह से काम करते हैं और कैसे इमरजेंसी सिचुएशन में रिएक्ट करते हैं, उन्हीं एल्गोरिथम को हम अपने बर्ड्स ड्रोन में, हेलीकॉप्टर में लगा के, उनके साथ कैमरा लगा के, उनको साथ कम्युनिकेट करके एल्गोरिथम डेवलप कर रहे हैं कि जब भी कोई त्रासदी हो उस समय वो कैसे ड्रोन पहचाने कि कहाँ पे अंतिम आदमी तक हमारा ड्रोन पहुँचे, उसको आइडेंटिफाई करे और उसको इमिडिएटली रिलीफ के लिए ड्रोन या मदद मिल सके। अगर हमको मदद किसी दूसरे व्हीकल की ज़रूरत है या हेलीकॉप्टर्स भेजने हैं उसके लिए, उसकी सूचना पहुँचे, या उसको कोई इमरजेंसी मेडिकल चीज़ चाहिए या फूड आइटम चाहिए, वो ड्रोन के थ्रू हम उसको डिलीवर कर सकते हैं। तो इसमें टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आइडेंटिफाई करे कि काम में ह्यूमन है, कौन सी डिफिकल्ट है, फिर कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इंटेलिजेंस, ये मेस नेटवर्क यूज करेंगे, क्योंकि ड्रोन, एक ड्रोन लंबे दूरी तक तकनीकी से सूचना का आदान प्रदान नहीं कर सकता है, तो एक नेटवर्क बनाएंगे, उसके थ्रू बहुत सारी एरिया कवरेज कर पाएंगे, उससे इंफॉर्मेशन पहुंचेगी और जिस तरह की सहायता की जरूरत पड़ेगी वो इमिडिएटली अवेलेबल कराई जा सके।